बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के एक्टर दोस्त की हुई ऐसी हालत। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कर रहे हैं अपना गुजारा। जी हाँ, हाल ही में फिल्म पटियाला हाउस में अक्षय कुमार के को एक्टर रह चुके और ब्लैक फ्राइडे, गुलाल जैसी फिल्मों में नजर आ चुके सवि सिद्धू मुंबई के मलाड में एक चौकीदार के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। ये बात सामने तब आई जब एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में सवि ने अपने संघर्ष की कहानी को बयां किया। इसके बाद से ही लगातार सवि सिद्धू की कहानी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब सवि सिद्धू के सपोर्ट में बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने हाथ बढ़ाया है। राजकुमार राव ने सवि के हौसले को सलाम करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया, वेरी इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी सवि सिद्धू सर, हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर वर्क इन ऑल योर फिल्म्स, लव योर पॉजिटिविटी, विल डेफिनेटली आस्क ऑल माय कास्टिंग फ्रेंड्स टू रीच आउट टू यू, थैंक यू फिल्म कंपेनियन फॉर शेयरिंग हिज स्टोरी, परसिवरेंस इज द की टू ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इतना ही नहीं, राजकुमार राव के बाद सवि सिद्धू को पहले अपनी फिल्मों में कास्ट कर चुके फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी सवि की हालत पर कई ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने सवि सिद्धू की सराहना की तो वहीं बॉलीवुड की जमीनी हकीकत से रूबरू भी करवाया। देखिए अनुराग के कुछ ट्वीट्स। देर आर सो मेनी एक्टर्स आउट देयर हु डोंट हैव वर्क। आई रिस्पेक्ट सवि सिद्धू एज एन एक्टर एंड हैव कास्ट हिम थ्राइज व्हेन ही अर्न द रोल। I respect him that he chose to live his life with dignity and picked a job, unlike so many entitled out-of-work actors who have either become alcoholics or wasted themselves away. Nawaz used to be a watchman. I used to be a waiter. I met one actor who sells bhelpuri on streets. I know an actor from Black Friday who drives a rickshaw. The lead from Salaam Bombay used to do the same. I have seen the great Uday Chandra who did Hum Panch and Khel Khiladi Ka in my early days walking the street. This is also true for many people in all walks of life. This could also be me or anyone else in the future. To give an actor a role out of sympathy is insulting. The art and the artist, Sabi will have to help himself. Only thing one can do is get the casting directors to audition him for him to earn the role. And for that, he will have to walk to the casting director's office like million others. He has made a conscious choice and one should be proud of him that he did not allow the vanity of the artist to destroy him. And he actually does a job. I have writers that I have worked with who are always borrowing money. I have seen filmmakers I have admired borrow money from me for a meal. To be a watchman is a job. I don't see it as a small job or big. At least he's not begging, and I genuinely believe that charity does not make art or an artist. There are millions of stories like Savi Sidhu's. मैं आपको बता दें कि सवि सिद्धू ने खुद इस बात को कहा कि उन्होंने खुद अपनी बिगड़ती हालत के चलते फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा था, लेकिन अब उनकी हेल्थ पहले से बेहतर हो चुकी है और वो जल्द ही इंडस्ट्री में वापसी करना चाहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब फाइनली सवि की ये तमन्ना पूरी हो जाए। लेकिन अपना गुजारा करने के लिए सवि आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से उन्हें एक ग्रैंड सल्यूट। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।